लोकसभा चुनाव के सबसे वीवीआईपी से वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के बाद नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी इंडी गठबंधन के अलावा बसपा सहित सभी चुनावी दल प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। इस चुनावी प्रचार के बीच वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल भी घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अपने बीच पीएम मोदी के हमशक्ल को देख लोग हैरान हैं और कुछ लोग उन्हें मोदी जी कहकर भी बुला रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। बताते चले कि अभिनंदन पाठक हूबहू पीएम मोदी जैसे नजर आते हैं। अभिनंदन पाठक ने बताया कि वो इसके पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर चुके हैं और अब वाराणसी में वो 15 दिनों तक रहकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और उनके साथ उनकी टीम भी वाराणसी में हर घर जाकर प्रचार करेगी। 2014 में भी मैं बनारस आया था, 19 में भी मैं आया था और 24 में मैं इसलिए आया हूँ इस काशी विश्वनाथ जी की पवित्र धरती पर कि अवतार पुरुष मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसी दिशा में गली गली में डमरू बजेगा, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और पूरी टीम के साथ जब तक मोदी जी भारी मतों से विजयी नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर अपना मोर्चा जमाए रहेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से प्रार्थना करेंगे, मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मैं मूल रूप से तो मैं संस्कार अयोध्या का हूं, लखनऊ में मैं रहता हूं। मेरे साथ भारतीय नमो सेवा दल के अभी 7-8 सदस्य पधार चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग 100 से अधिक संख्या में होंगे जो पूरी काशी में पूरे बनारस के लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम करके हम मोदी जी की भक्ति, मोदी जी का गुणगान, मोदी मोदी करने का काम करेंगे।